हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बजाज के निंजा मिक्सर ग्राइंडर की। ये 500 वाट की मिक्सर ग्राइंडर है, तो अब हम अनबॉक्सिंग शुरू करेंगे दोस्तों इसकी। दोस्तों, जो हमारी पुरानी वाली मिक्सर ग्राइंडर जो आप ऊपर देख सकते हैं, ये मॉलीनेक्स की है, मेड इन फ्रांस। ये 30 साल पुरानी है दोस्तों। अब ये ख़राब हो चुकी है, इसीलिए नई लेकर आए हैं हम बजाज की मिक्सर ग्राइंडर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों बॉक्स में से हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो दोस्तों इसके मशीन के कुछ कागज़ पत्र मिले हैं, इंस्ट्रक्शंस और वारंटी कार्ड। तो ये है हमारा दोस्तों बजाज का निंजा मिक्सर ग्राइंडर, कलर वाइट मैंने लिया है दोस्तों। नीचे से डार्क ब्रिंजल कलर है, ये देखने में बहुत ही सिंपल है। 3 स्पीड और एक पल्स मोड दे रखा है इसमें, और ये बटन तो आपको पता ही होगा रीसेट करने के लिए इसे, ज़्यादा गर्म अगर हो जाती है तो। दोस्तों इसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी प्लास्टिक से बनी हुई है। जो इसके मोटर कपलर हैं, जो दांत जैसा स्ट्रक्चर दे रखा है ऊपर जिसमें कप लगता है, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब हम दूसरा बॉक्स खोलेंगे, देखते हैं उसमें क्या क्या निकलेगा। बॉक्स हमारा खुल चुका है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे मिक्सर ग्राइंडर में लगने वाले कप। ये सभी दोस्तों स्टील के बने हुए हैं, इनके जो ढक्कन हैं वो प्लास्टिक के हैं। इनका भी कलर बॉडी की तरह ही सेम है, डार्क ब्रिंजल कलर, जो नीचे वाले हिस्से का कलर है मिक्सर ग्राइंडर के। और ये है दोस्तों इसके स्टील के कप। ये चटनी जार है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है दोस्तों इसकी। नीचे से मोटर कपलर जो लगा हुआ है वो भी सेम क्वालिटी का ही लगा हुआ है, काफ़ी मजबूत है। और दूसरा जार दोस्तों हमारा मसाला पीसने के लिए है। इसका साइज़ चटनी जार से थोड़ा बड़ा है, और ये हमारा सबसे बड़ा जार जिसमें हम शेक बना सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके ढक्कन लगा कर देखेंगे कैसे हैं। इसके ढक्कन के साइड में दोस्तों रबड़ लगी हुई है काले रंग की, जिससे ये अपने आप ना खुलें और ये अच्छे से लॉक हो जाता है और आराम से खुल भी जाता है। इसका दोस्तों जो मसाले वाला जार है और जो बड़ा वाला जार है, इन दोनों के ढक्कन का साइज सेम है, और जो चटनी जार है उसका ढक्कन छोटा है दोस्तों। बस जो ढक्कन के साइड में रबड़ लगाई है वो मुझे थोड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं लगी, बाकी इसमें सब कुछ ठीक है। अब हम दोस्तों नई मोटर की आवाज़ सुनेंगे कैसी है। इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ हमें 2 पिन प्लग मिला है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब हम इसकी आवाज़ चेक करेंगे दोस्तों। आवाज़ तो इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। अगर बटन को दोस्तों लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो पल्स मोड चलेगा, और बटन को जैसे ही छोड़ेंगे मिक्सर बंद हो जाएगा अपने आप। इसने दोस्तों मसाला भी पीस कर देखा और चटनी भी बना कर देखी, लेकिन वो मम्मी ने मेरे पीछे से खुद ही पीस दिया, तो अभी कुछ नहीं है। लेकिन मैंगो शेक बनाएंगे हम इसमें। दोस्तों ये दो नीचे
इसके लॉक दे रखे हैं जो मिक्सर ग्राइंडर के उसी जगह पर लगेंगे जहाँ पर इनकी जगह बनाई हुई है, और लगाने के बाद इनको क्लॉकवाइज घुमा देंगे और ये लॉक हो जाएगा आपका कप इसमें और ये निकलेगा नहीं। अब हम मैंगो शेक तैयार करेंगे फ्रेंड्स। शेक फ्रेंड्स मैंने पर्स मोड पर ही बनाया है और मैंगो हमारा अच्छे तरीके से घुल चुका है दूध के अंदर और ये हमारा गाढ़ा गाढ़ा शेक तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।